हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सारी सब्जियों को धो लिया है बहुत बढ़िया से, जैसे कि आलू, कुंदरू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सबको। और कढ़ाई जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, तो यहाँ पर जो है मैं प्याज वगैरह सब जो कट कर लूँगी, लहसुन वसुन, हरी मिर्ची वगैरह। और कढ़ाई गर्म हो रही है तो चलिए फटाफट से प्याज को कट कर लेते हैं। और गाइस, आज सुबह, आज का जो दिन है मंडे का दिन है, और मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है उनको, तो ये जाएंगे ड्यूटी, तो इनके लिए मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू कुंदरू की सब्ज़ी और पराठे। और आदित्य के लिए भी सेम है, पर आदित्य जो है टिफ़िन में ना जेम रोटी लेकर जाएगा और वो सब्ज़ी रोटी वगैरह खा लेगा। तो जैसे कि सुबह में मुझे ज़्यादा काम वगैरह तो नहीं होता है और ज़्यादा होगा भी तो नहीं हो पाएगा, तो कढ़ाई जो है गर्म हो गई है, तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। हम जो है रिफाइंड ऑयल से ही खाना बनाते हैं ज़्यादातर, मस्टर्ड ऑयल जो है बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो बच्चे मेरे, मतलब आदित्य जो है उठ चुका है और हस्बैंड भी उठ चुके हैं, उनको मैंने पहले ही मतलब कॉफ़ी दे दिया। इन दिनों जो है कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय नहीं पीते हैं इन दिनों। तो गाइस, वीडियो शूट करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ना कैमरा जो है ऑन ही नहीं है। आलू वगैरह और थोड़ी सी सब्जी जो है पहले ही कट चुकी थी, तो मैंने देखा, फिर मुझे पता चला, फिर से मैंने ऑन किया और फिर आगे की जो शूट है वो मैंने किया। तो ऐसा होता है, मतलब हर कोई ब्लॉगर के साथ ऐसा होता होगा। तो जैसे कि कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने सारे सब्जियों को मतलब प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद जो है कुंदरू, आलू, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दें। यहाँ पे टमाटर को भी कट करके ऐड कर देंगे और सबको मिला के बहुत ही बढ़िया से भून लेंगे 5 मिनट के लिए। और तब तक क्या करेंगे, यहाँ के जो प्लेटफॉर्म है सब साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मतलब हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक वगैरह, और बढ़िया से इसे ना हम 5 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद जो है पानी ऐड करेंगे, तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और पकने देते हैं। और इसमें थोड़ी देर, मतलब कम से कम 5 मिनट तक तो मैं भूनूंगी, जब तक टमाटर जो है गल नहीं जाती है। और गैस, ये जो कुंदरू है ना, ऊपर से हरी तो दिखती है, लेकिन आप जब देखोगे ना अंदर से तो रेड रहती है, पकी हुई होती है। तो मेरे हस्बैंड को ना पकी हुई कुंदरू काफ़ी पसंद है, उन्हें खट्टा खट्टा सब्ज़ी जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया से भून गई है, देख लीजिए टमाटर वगैरह गल गई है। तो यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे और इसे वापस से हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक क्या करेंगे, हम अपना, मतलब मैं आटा लगा चुकी हूँ, तो मैं पराठे जो है वो सेक लूँगी। और गैस होता ये है कि मेरे बच्चे, मतलब आदित्य जो है सब्ज़ी वगैरह कुछ खाता ही नहीं है, उसे कैसे खिलाए कुछ समझ आता ही नहीं है। तो देखिए सारी तैयारी हो चुकी है पराठे बनने की। तो यहाँ पर मैंने बेल लिया है, तवा गर्म हो गई है, तो फटाफट से जो है हम यहाँ पर पराठा सेकेंगे और इन लोगों को जो है मैं मतलब दे दूँगी। मतलब सुबह का टाइम जो होता है ना, हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसे कि मैं बना रही थी तो उन्होंने अपना और आदित्य का जो नाश्ता है वो निकाल लिए थे। मैं बता रही थी यहाँ है, यहाँ है, तो पराठे भी हमारे सेक गई है बहुत ही बढ़िया से। तो जैसे कि सब्ज़ी जो है अभी पकी नहीं है, इसे सब्ज़ी ना, हम जैसे ही सब्ज़ी पक जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने ना पराठे ले लेंगे। थोड़ी सी ना मुझे बोलने में मिस्टेक हो गई है गाइस, हो ही जाती है, मुझे आगे बोलना, मतलब पीछे बोलना होता है, मैं आगे बोल देती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी जो है मेरी अभी अभी डन हुई है, तो इसके बाद जो इन लोग नाश्ता करने के लिए बैठेंगे। तो सब्ज़ी भी हमारी पूरी पक चुकी है बहुत ही बढ़िया से और पराठे भी वगैरह बन चुकी है। जैसे ये लोग खाने को बैठेंगे, उसके बाद जो है मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर लूँगी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आदित्य जो है जेम रोटी लेके जाएगा, वो एक ही रोटी लेके जाएगा। तो हस्बैंड ले जाएंगे पराठे और सब्जी, आलू कुंदरू की सब्ज़ी। तो आप लोग ना इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा जो तरीका है ज़्यादातर आपको मेरे व्लॉग में सिंपल ही देखने को मिलेगा, मैं ज़्यादातर सिंपल ही बनाती हूँ। तो चलिए इनका जो टिफ़िन वगैरह है वो पैक कर देते हैं। पानी का जो बॉटल है वो भरना अभी बाकी है, तो पहले मैं इन सबको रेडी कर लूँगी, उसके बाद जो है हम निकलेंगे टिफ़िन वगैरह भरने के बाद स्कूल के लिए। तो स्कूल से हम ना आ चुके हैं और देखिए आते हैं ना, मेरी बेटी मिल्क वगैरह लेकर सो गई है, तो ये बहुत ही मतलब पैर पसार के सो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसके साथ ना थोड़ी देर जो है सो जाती हूँ, मतलब नींद तो नहीं आएगी लेकिन पड़ी रहूँगी, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आदित्य को छोड़ के आने के बाद ना मैं काफ़ी थक जाती हूँ और मुझसे काम भी नहीं होता है। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं।